श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण के सतरुद्र संहिता में वर्णित भगवान शिव के भिक्षु वर्यावतार की कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदनंतर किसी समय साल्व देश के राजाओं ने उस राजा की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। घमंडी साल्व देशीय क्षत्रियों के साथ, जिनके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा सत्यरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा भी साल्वों के हाथों से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल हो भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वे गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त हो भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन करती हुई वे धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरा होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वे बहुत दूर का रास्ता तय कर चुकी थी। सरोवर के तट पर आकर वे सुकुमारी रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी लक्षणों से संपन्न था। दैववश उस बालक की जननी महारानी को बड़े जोर की प्यास लगी। तब वे पानी पीने के लिए उस सरोवर में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित हो उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए और उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं की प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांग कर जीवन निर्वाह करती थी और अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए उस तालाब के तट पर पहुंची थी। उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक भी यहाँ कहीं दिखाई नहीं देते। क्या कारण हो गया? न जाने यह किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के विषय में पूछूं। इसे देखकर मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई है। मैं इस बालक का अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु इसके कुल और जन्म आदि का ज्ञान न होने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, उस समय भक्त वत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहां आ पहुंचे, जहां वह ब्राह्मणी संदेह में पड़ी हुई थी और यथार्थ बात को जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निधान शिव ने उससे हंसकर कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो और प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से ही यहाँ पधारे हैं। इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक का अपने पुत्र की ही भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से यह जानना चाहती हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करुणा सिंधु शिव ही हैं,
और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह इस दुरावस्था में पड़ गया है। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से ही मोहित होकर मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपने ही इसके पालने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भ राज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को सालवदेशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र हो रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग गई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरा होने पर वे प्यास से पीड़ित होकर सरोवर में उतरी। उसी समय दैववश एक ग्राह ने आकर उसे अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों के उपभोग के समय बीच में ही सालवदेशीय शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से इस शिशु की माता को ग्राह ने खा लिया और यह शिशु जो जन्म से ही अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र एवं भिक्षुक क्यों हुआ तथा मेरे इन दोनों पुत्रों को भविष्य में कैसे सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवरी शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में अनिष्ट फैलने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिव जी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोगों के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिव जी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव इनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु का शरीर धारण करने वाले भक्तवत्सल शिव ने उसे अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे को तथा राजकुमार का भी पालन पोषण करने लगी। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वे दोनों शिव की पूजा में तत्पर रहते हुए घर पर ही बड़े हुए। सांडिल्य मुनि के उपदेश से नियम परायण हो वे दोनों शुभ व्रत रख कर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते थे। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी में स्नान करने के लिए गया। वहां उसे निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। उसके उपरांत एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहां अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वह कन्या राजकुमार को दे दी।
गंधर्व कन्या से विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र की भांति उसका पालन पोषण किया था, वही उस समय राजमाता हुई और ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था। इस प्रकार देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपनी उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करने लगा। इस प्रकार भगवान शिव ने भिक्षु वर्य अवतार लेकर धर्मगुप्त नामक राजा को बाल्यकाल में ही सुख प्रदान किया। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम पावन चारों पुरुषार्थों का साधक तथा संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस कथा को सुनता या सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव के भिक्षु वर्यावतार की कथा समाप्त हुई। भगवान शिव आपका कल्याण करें। धन्यवाद।